दोस्तों, अगर आपको मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप ऐसे अलग-अलग फंड में निवेश नहीं करना है, तो आप एक फंड के माध्यम से भी इन तीनों के तीनों कैटेगरी में एक साथ निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टी कैप फंड ये आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में एक साथ निवेश करने का। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मल्टी कैप फंड के बारे में, जिसमें आप यहां से आने वाले 5, 10, 15 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, ये फंड आपको लंबे अवधि के अंदर बहुत ही बेहतरीन वेल्थ बना के दे सकता है। वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यों मल्टी कैप फंड में आपको निवेश करना चाहिए, उसके बाद इस फंड के लार्ज कैप अलोकेशन, मिड कैप अलोकेशन और स्मॉल कैप अलोकेशन के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में और बेस्ट केस सिनेरियो में ये फंड आपको कैसी वेल्थ बना के दे सकता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करंटली मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है और आगे भी आने वाले 1 महीने तक ये करेक्शन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो ये एक सही समय होता है मार्केट में एग्रेसिवली एसटीपी के माध्यम से निवेश करने का। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ जो अभी भी वेट कर रहे थे मार्केट में निवेश करने के लिए। ये एक बेहतरीन फंड है जिसके माध्यम से वो पूरे के पूरे मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, चर्चा करते हैं आज के हमारे फंड के बारे में। सबसे पहले चर्चा करें मल्टी कैप कैटेगरी। दोस्तों, मल्टी कैप कैटेगरी एक त्रिवेणी संगम आप इसे कह सकते हैं। इसमें लार्ज कैप भी आएगा, मिड कैप भी आएगा, स्मॉल कैप भी आएगा। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनियां जनरली स्टेबल कंपनियां, बड़ी कंपनियां होती है तो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, बट यहां पे बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड रिटर्न भी नहीं आता है। उसके बाद मिड कैप कंपनियां फ्यूचर की लार्ज कैप इमर्जिंग कंपनियां है, जानी मानी कंपनियां है, तो यहां पे अगर आप देखें स्टेबिलिटी रहती है, बट यहां पे अगर आप देखें अच्छा खासा अल्फा भी बनाया जा सकता है। और आखिर में आता है स्मॉल कैप सेगमेंट। दोस्तों, यहां पे छोटी छोटी कंपनियां हैं, नीश सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं, इनमें थोड़ी बहुत अगर आप देखें लिक्विडिटी कम होती है, ये कंपनियां ज्यादा वोल्टाइल होती है। हम करंटली भी देख रहे हैं मार्केट के अंदर स्मॉल कैप सेगमेंट में तकरीबन 10% के आसपास का करेक्शन आ चुका है, तो यहां पे ज्यादा वोल्टिलिटी होती है, बट जब चलती है ये कंपनियां तो मल्टी मेगा रिटर्न भी ऐड करके देती है आपको। तो ये अगर तीनों के तीनों कैटेगरी आपको एक साथ चाहिए तो आपको मल्टी कैप फंड ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो चर्चा करते हैं क्यों आपको मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली ही ये कैटेगरी फॉर्म हुई है और सेबी के नियम के हिसाब से मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में मिनिमम 25% अलोकेशन हर एक कैटेगरी में देना पड़ेगा। लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% अलोकेशन तो देना ही है। तो ये आपके 75% हो गए तीनों के तीनों कैटेगरी में अलोकेशन। उसके बाद जो 25% बचता है वो फंड हाउस अपने हिसाब से जहां पे भी उनको अपॉर्चुनिटी के वहां पे अलोकेशन दे सकते हैं। तो मल्टी कैप फंड आपको तीनों के तीनों कैटेगरी में निवेश की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको अलग अलग कैटेगरी के फंड में निवेश नहीं करना है तो आप एक फंड के माध्यम से भी पूरे के पूरे अगर आप देखें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप बास्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि लार्ज कैप कंपनियां स्टेबल कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां फ्यूचर की लार्ज कैप कंपनियां हैं और स्मॉल कैप कंपनियां नीच सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं, जो फ्यूचर में मिड कैप कंपनी भी बन सकती है और यहां पे अल्फा क्रेश की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखें टॉप 100 जो कंपनियां हैं इसको लार्ज कैप कहा गया है। ये मैच्योर कंपनियां हैं, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये है आपकी लार्ज कैप कंपनियां और ये डोमिनेंट प्लेयर है अपने सेगमेंट के। तो यहां पे जनरली बहुत बड़ा बड़ा करेक्शन नहीं आता है, क्योंकि जब भी ये कंपनियां 5-10% नीचे भी आती है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर इसको लेने आ जाते हैं। उसके बाद 101 से 250 के रेंज की जो मार्केट कैप की कंपनियां है तो वो आती है आपके मिड कैप सेगमेंट के अंदर। यहां पर भी कई सारी लीडिंग कंपनियां हैं, वो भी अगर आप देखें बड़े बड़े बिजनेस हाउस से बिलोंग करती है और ये कंपनियां फ्यूचर में लार्ज कैप बनने का भी पोटेंशियल रखती है। तो यहां पे अगर आप देखें स्टेबिलिटी भी होती है और ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। और आखिर में दोस्तों 250 की रेंज से नीचे के जो भी मार्केट कैप कंपनियां हैं, अगर मार्केट कैप के हिसाब से आप रखें तो 250 से बाकी की जितनी भी कंपनियां आती है उसको स्मॉल कैप कंसिडर किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है इन्वेस्टमेंट का, जहां पे कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, इवन कई सारी अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनियां हैं बट स्मॉल कैप कंपनियां हैं,
तो ये कंपनियां एक बड़ा अल्फा बनाने का पोटेंशियल रखती है, जनरली कम ट्रैक कर किया जाता है इन कंपनियों को, तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है बट यहाँ पे रिटर्न बनाने का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तो मल्टीकैप फंड इन तीनों के तीनों सेगमेंट में इक्वली आपके पैसे अलोकेट करेंगे, मिनिमम 25% तो अलोकेशन होगा ही होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा फंड है इसका नाम है SBI मल्टीकैप फंड। दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड हाउस बहुत ही पुराना और भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस है, उसने रिसेंटली SBI मल्टीकैप फंड लॉन्च किया था, तकरीबन एक साल ही इस फंड को कंप्लीट हुए हैं, बट अभी भी अगर आप देखें इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। करंटली फंड का NAV है 10.6 का, तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक तकरीबन 6% का रिटर्न फंड ने बनाकर दिया है। दोस्तों बेहतरीन फंड है, मल्टी कैप कैटेगरी का ये फंड है, और यहाँ पे अगर आप देखें फंड मैनेजर कौन है, SBI म्यूचुअल फंड के CIO R श्रीनिवासन सर इस फंड के फंड मैनेजर हैं, जिनके पास तकरीबन 26 साल का एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा फॉरेन इक्विटी में भी ये फंड निवेश कर सकता है, उसके लिए भी डेडिकेटेड फंड मैनेजर है मोहित जैन जो फॉरेन सिक्योरिटी को ट्रैक करते हैं, तो वहां पर भी फंड थोड़ा बहुत अपना एलोकेशन दे सकता है। दोस्तों फंड का AUM कितना है, 12,100 करोड़ के आसपास का इस फंड का AUM है, तो अभी भी बहुत बड़ा AUM नहीं है, इसमें से 25% अलोकेशन लार्ज कैप में जाएगा, 25 मिड कैप में और 25 स्मॉल कैप में जाएगा, तो इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अगर आप देखें फंड हाउस से बिलोंग करने वाला फंड है SBI मल्टी कैप फंड। दोस्तों फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड की है। दोस्तों तकरीबन 2000 जितनी कंपनियां हैं जो फेयरली लिक्विड कंपनियां हैं, जहां पे बड़े फंड हाउस निवेश कर सकते हैं, जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर का है, उसमें से तकरीबन 1200 जितनी ऐसे कंपनियां हैं जो इन्वेस्टेबल कंपनियां मानी जाएगी, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े इश्यू नहीं है, उसमें से अगर आप देखें SBI फंड हाउस तकरीबन 350 जैसे ऐसी कंपनियां जिनको एक्टिवली ट्रैक करता है, मतलब कि इनके एक्टिव ट्रैकिंग यूनिवर्स में हर एक कॉनकॉल में हर एक रिजल्ट को उनके एनालिस्ट कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं, तो इसके बोलते हैं एक्टिव कवरेज। उसके बाद बाकी की तकरीबन 450 जैसे ऐसे कंपनियां हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, ये अच्छी कंपनियां पर एज ऑफ नाउ फंड के एक्टिव कवरेज में नहीं है, तो ये 350 यूनिवर्स है जहां पे हर एक एनालिस्ट अलग अलग सेक्टर के कंटिन्यूअस ट्रैक करेंगे इनको, उनमें से भी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे बाय आइडिया जनरेट किए जाएंगे, उस बाय आइडिया में से कुछ ऐसी कंपनियां होगी जो फ्यूचर में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, तो उसको सेक्टरल आउट परफॉर्मर कैटेगरी में रखा जाएगा, उसमें से फिर एक 75 कंपनी का यूनिवर्स बनेगा, जिसमें से फिर SBI फंड के जो फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन, वो इन 75 कंपनी जिनको उनके एनालिस्ट ने पूरा का पूरा अगर आप देखें छान के लिया है, 75 कंपनियां 1200 कंपनियों के यूनिवर्स में से, उसमें से 75 कंपनियां निकाली और उसमें से फिर R श्रीनिवासन कंपनियां सिलेक्ट करेंगे और उसमें कितना एलोकेशन देना है वो भी वो सिलेक्ट करेंगे, और एक अच्छा कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो आपको बना के देंगे। तकरीबन फंड के करंट पोर्टफोलियो में 35 इतनी कंपनियां हैं, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो SBI मल्टी कैप फंड नहीं रखेगा, एक कॉम्पैक्ट फोकस पोर्टफोलियो रहेगा लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का। दोस्तों फंड मैनेजर है R श्रीनिवासन, 26 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले SBI म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड की जो फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे कि SBI स्मॉल कैप फंड, SBI फोकस इक्विटी फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, SBI चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, ये कई सारी फ्लैगशिप फंड R श्रीनिवासन सर मैनेज करते हैं, और इनके कार्यकाल के अंदर इन सारी की सारी स्कीम ने अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, और अब SBI मल्टी कैप फंड को भी ये मैनेज करेंगे, तो यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं जैसे SBI फोकस फंड ने या फिर SBI स्मॉल कैप फंड ने पिछले 15 सालों में रिटर्न बना के दिया है, ऐसा ही रिटर्न आपको आने वाले 10-15 सालों में SBI मल्टी कैप फंड बना के दे सकता है। तो चर्चा कर रहे इस फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो को 3 भागों में डिवाइड किया है, पहला हमने लार्ज कैप इनका जो अलोकेशन है उसको निकाला है, तो यहाँ पे आप SBI मल्टी कैप फंड का लार्ज कैप अलोकेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी PSU बैंक है। दोस्तों करंटली बैंकिंग सेक्टर भी फोकस में, और दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिगर भी आने वाला है, SBI AIIMS ही लिस्ट होने वाली है मे बी आने वाले 6-12 महीने के अंदर, जो SBI बैंक की ही सब्सिडी कंपनी है, तो अगर SBI म्यूचुअल फंड मार्केट में लिस्ट होता है तो SBI बैंक के लिए एक बहुत ही बड़ा वैल्यू अनलॉक होगा। भारत की सबसे बड़ी AIIMS है SBI म्यूचुअल फंड जो फ्यूचर में लिस्ट हो सकती है। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं जो इस बैंक को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और करंटली अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर फोकस में भी है, अच्छा खासा अगर आप देखें क्रेडिट ग्रोथ भी हो रहा है, तो उसका फायदा भी SBI बैंक को मिलेगा। यहाँ पे 7.5% एलोकेशन फंड ने दिया है,
टीवीएस मोटर भारत की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी है, 6% एलोकेशन यहाँ पे दिया है। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, यहाँ पे भी 5.5% एलोकेशन दिया है। बजाज फाइनेंस एक बेहतरीन एनबीएफसी कंपनी, एक्सिस बैंक, उसके बाद डेविस लेबोरेटरी भारत की सबसे बड़ी एपीआई की कंपनी है, उसके बाद हिंडाल्को, ये अगर आप देखें बेहतरीन कंपनी है स्टील सेक्टर की, मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर कार की कंपनी, एलआईसी यहाँ पे फंड ने 2% एलोकेशन दिया है। रिसेंटली एलआईसी लिस्ट हुई है और एलआईसी में भी डीप वैल्यू है। उसके बाद यूबीएल एक बेहतरीन बेवरेज की कंपनी है, न्यू ईयर भी आ रहा है तो यहाँ पे यूबीएल फोकस में रहेगा, और इंटरग्लोब एविएशन, ये अगर आप देखें ट्रैवल सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। तो दोस्तों ये था लार्ज कैप एलोकेशन। अब चर्चा करते हैं एसबीआई मल्टी कैप के मिड कैप पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों मिड कैप में भी कई सारी बेहतरीन कंपनियां आपको दिखेगी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी तकरीबन स्मॉल से मिड कैप में रिसेंटली ही माइग्रेट होने वाली कंपनी है ये एंड्योरेंस टेक। तकरीबन कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास का है, एक बेहतरीन ऑटो एंसरी कंपनी है। उसके बाद पेज इंडस्ट्री, दोस्तों जोकी के नाम के ब्रांड से आप इस कंपनी को जानते हैं, बेहतरीन कंपनी है अंडरगार्मेंट सेगमेंट की, यहाँ पर भी 3% का एलोकेशन दिया है। मैक्स हेल्थकेयर, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। दीपक नाइट्रेट, बेहतरीन कंपनी है मेडिकल साइज की केमिकल कंपनी है, अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनी। नवीन फ्लोरिंग, ये भी एक बेहतरीन मार्केट लीडिंग केमिकल कंपनी। सोना बीएलडब्ल्यू, ये अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कई सारे कंपोनेंट बनाने वाली ऑटो एक्सेसरी कंपनी है। वेदांत फैशन, रिसेंटली इसका आईपीओ आया था दोस्तों वेदांत फैशन मान्यवर के नाम से आप जानते हैं इस ब्रांड को। करंटली शादियों का सीजन भी चल रहा है तो यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी ग्रोथ की उम्मीद आप नेक्स्ट क्वार्टर में कर सकते हैं। टिमकिन इंडिया एमएनसी कंपनी है, बैरिंग बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी, यहाँ भी 1% एलोकेशन है। एनएचपीसी एक पीएसयू कंपनी है, ये भी बेहतरीन कंपनी। रिलैक्सो फुटवेयर भारत की अगर आप देखें सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है, यहाँ पर भी तकरीबन 1% एलोकेशन दिया है। तो दोस्तों मिड कैप सेगमेंट में भी फंड ने मार्केट लीडिंग कंपनी में अपना एलोकेशन दिया। अब चर्चा करते हैं फंड के स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे भी कई सारी कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप डेफिनेटली है बट अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनियां हैं। टीटी कैप प्रेस्टीज, तकरीबन 12,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है बट दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी है कंपनी टीटी कैप प्रेस्टीज, प्रेशर कुकर और दूसरे भी किचनवेयर अप्लायंस सेगमेंट में, यहाँ पे 3% का एलोकेशन दिया है। केपीआर मिल्स, ये कंपनी एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी है, बेहतरीन कंपनी का पोर्टफोलियो है, यहाँ पे भी 3% का एलोकेशन है। पीवीआर, दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स का रिसेंटली अब मर्जर होने वाला है, भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बनने वाली है पीवीआर, यहाँ पे 3% का एलोकेशन दिया है। कार्बोरंडम यूनिवर्स, ये एक कैपिटल गुड कंपनी है, यहाँ पे 2% का एलोकेशन दिया है। ब्लू स्टार, ये अगर आप देखें अलग अलग प्रकार के एसी वाटर कूलर और दूसरे भी कई प्रकार के कंज्यूमर अप्लायंस में काम करने वाली अपने सेगमेंट की बेहतरीन कंपनी, 2.5% का एलोकेशन यहाँ पे दिया है। वी मार्ट, दोस्तों ये भी जैसे डी मार्ट है वैसे ही वी मार्ट भी एक छोटी कंपनी है बट बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है। डी मार्ट जैसे इसके भी कई सारे भारत भर में स्टोर अवेलेबल है और धीरे धीरे ये भी एक्सपांशन कर रही है, यहाँ पे 3% का एलोकेशन फंड ने दिया है। प्रदीप फॉस्फेट, ये भी बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी। गो फैशन, ये भी तकरीबन 1 साल पहले लिस्ट हुआ था, ये भी अगर आप देखें वुमेन फैशन सेगमेंट में काम करने वाली बेहतरीन कंपनी है। वी कार्ट इंडस्ट्री, ये भी एक बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी है। वी कार्ट ने रिसेंटली ही एक कंपनी को भी अक्वायर किया है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट ये भी आगे जाके मिड कैप कंपनी बन सकती है। जी आर इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करने वाली बेहतरीन कंपनी, यहाँ पे 2% का एलोकेशन है। मिसेस बेक्टर फूड, दोस्तों ये भी एक अगर आप देखें एफएमसीजी सेक्टर को कैटर करने वाली छोटी कंपनी है। बिस्किट सेगमेंट में कंपनी के कई सारे नीच प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी तकरीबन 1.25 का एलोकेशन दिया है। कल तरु पावर में 1% का एलोकेशन है। आर्ट एंड केमिकल भी रिसेंटली लिस्ट हुआ था। इसके अलावा एथर इंडस्ट्री, ग्लोबल हेल्थ, ये भी अगर आप देखें रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है तो फंड थोड़ा बहुत आईपीओ में भी पार्टिसिपेट करता है एग्रेसिवली और उसके माध्यम से भी अल्फा बनाने की कोशिश फंड करता रहता है। तो दोस्तों ये था फंड का लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन। अब हम चर्चा करते हैं बेस्ट केस सिनेरियो में और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप निवेश करेंगे इस फंड के अंदर तो आपको कैसा रिटर्न ये फंड फ्यूचर में बना के दे सकता है। दोस्तों सपोज आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर। दोस्तों फंड का जो हिस्ट्री है और जो फंड मैनेजर और फंड हाउस का हिस्ट्री है उसके हिसाब से अगर आप लंबे अवधि तक बने रहेंगे तो खराब से खराब सिनेरियो में भी ये फंड आपको तकरीबन 11-12% ग्रोथ बना के देगा। दोस्तों आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, मे बी बीच में नेगेटिव भी जाएगा बट अगर आप 10 साल का 20 साल का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे और बने रहेंगे तो ऑन एवरेज आपको खराब से खराब सिनेरियो में भी 12% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। अगर आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया है और आप 15 सालों के लिए बने रहते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड के साथ जो एक आइडियल ड्यूरेशन है इस फंड में निवेश करने की, तो 54 लाख रुपए आपके 10 लाख बन जाएंगे, मतलब कि तकरीबन
5 गुना आपको सिर्फ 12% ग्रोथ से ही रिटर्न मिल सकता है। अगर आप 20% ग्रोथ 20 साल के लिए बने रहे तो आपका 10 लाख रुपए तकरीबन 1 करोड़ भी बन सकता है सिर्फ 12% CAGR से। ये एक नॉर्मल CAGR है। इवन दूसरे भी कोई मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड और इवन इंडेक्स फंड भी आपको ऐसा बना के देंगे, बट हम जानते हैं SBI म्यूचुअल फंड है, आर श्रीनिवासन जो इनके फंड मैनेजर हैं, जो जाने जाते हैं अल्फा क्रिएशन के लिए, SBI फोकस फंड, SBI स्मॉल कैप, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया ही है। तो ये मान के अगर आप देखें तो बेस केस मतलब कि एवरेज केस सिनेरियो में ये फंड आपको 15% CAGR रिटर्न बना के दे सकता है। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं अभी तो आपके 15 सालों में 81 लाख रुपए बन जाएंगे, और अगर आप 20 साल बने रहे तो ये फंड आपको 1.6 करोड़ के भी वेल्थ बना के दे सकता है। तो जो यंग हमारे इन्वेस्टर हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं, यहां पे आप लमसम निवेश कीजिए और आपको 20 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं। और बेस केस सिनेरियो में दोस्तों, अगर ये फंड जैसे फोकस फंड ने परफॉर्म किया, जैसे स्मॉल कैप फंड ने परफॉर्म किया पिछले 15 सालों में, वैसा परफॉर्म करता है 19 से 20 का CAGR रिटर्न बना के देता है, तो यहां पे आपके 10 लाख रुपए 15 सालों में 1.5 करोड़ और 20 सालों में तकरीबन 4 करोड़ रुपए भी बन सकते हैं। दोस्तों ये अज्यूम रिटर्न है, बट यहां से इंडिया की ग्रोथ तो होने ही वाली है, उस पर आपको डाउट नहीं करना है। तो रिसेंटली थोड़ा बहुत मार्केट में फियर आया है कोविड के कारण, उसका आप एडवांटेज लीजिए, आने वाले 2-3 महीनों के लिए आप STP के माध्यम से निवेश कीजिए। दोस्तों STP क्या होती है, आप 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जितने भी आपको निवेश करने हैं उसको एक लिक्विड फंड में डालिए। लिक्विड फंड से आप वीकली या डेली बेसिस पे मल्टी कैप फंड में अपने पैसे मूव कीजिए। तो ऐसे अगर बीच में मार्केट गिरता भी है तो आपको वहां पर भी निवेश करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3 से 6 महीने का STP ले लीजिए अगर आपको लमसम करना है, और अगर आपको SIP करनी है तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। STP के माध्यम से यहां पे आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहां से आने वाले 10-15 साल इंडिया के साल हैं, यहां पे आप इंडिया में निवेश कीजिए SBI मल्टी कैप फंड के साथ। तो दोस्तों अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी भी कंपनी के साथ हम काम नहीं करते हैं। आपके लिए जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए जो प्रोडक्ट सही रहेगा वही हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है तो रिटायरमेंट फंड है, टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना है टैक्स सेवर फंड है, अगर आप बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप फंड भी अवेलेबल है, और अगर आपको मॉडरेट रिस्क लेना है तो हाइब्रिड फंड भी अवेलेबल है अलग अलग फंड हाउस के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हम इन हाउस इक्विटी रिसर्च करते हैं और उसके माध्यम से हम तकरीबन 300 जितनी अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम को स्क्रीन करके उसमें से अलग अलग कैटेगरी की सबसे बेहतरीन स्कीम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करते रहते हैं। तो हमारे साथ निवेश करने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपको हमारा ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया है, तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। यही समय है निवेश करने के लिए, तो निवेश कीजिए, आप भी कीजिए और अपने परिवार लोगों को भी इनकरेज कीजिए मार्केट में निवेश करने के लिए। और दोस्तों यहां तक आके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से अनुरोध करूंगा चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।